तो भाई लोग मैं फिर आ गया हूँ आपको बीजेपी कमेटी का अपडेट देने के लिए। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जोनाथन के बारे में। तो गाइस रिसेंट में एक न्यूज़ देखने को मिली है, जोनाथन ने क्रॉन्टन गॉडल अमारो गॉडले को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम से, और इसके रिगार्डिंग कोई भी रीजन और अपडेट देखने को नहीं मिला है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा है। तो यहाँ पर गॉडले की स्पोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्लच गॉड ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने गॉडले को लीव करा, जो कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हो। नहीं करता वो टीम के साथ खेलने को। ब्रो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपना जो भी देख रहे हो जैसा भी है ठीक है, अभी हमने खेला इतने टाइम खेला नहीं हो रहा था, अभी तुम वापस से भाई, अभी हो गया वो सब, उसके बाद तुम फिर वापस से। और फिर मेरे को भी अभी मन नहीं था ब्रो, मेरा मन था नई लाइनअप, कुछ नए प्लेयर्स, थोड़ा रिफ्रेश ऐसा खेलेंगे। अरे भाई गॉडल वापस आ जा ना, बहुत मिस कर रहे आपको, एक शाउट आउट दे दो। गॉडल आत्मा ब्रो शाउट आउट टू यू ब्रो। अभी मैं ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है दो प्लेयर्स की, समझ रहे हो, विस्की और अपोलो। अभी उनको उनके साथ हम लोग खेल रहे, सीख रहे एक साथ कैसे खेलना है, क्या करना है। अभी चल रहा है अपना अलग वेंचर है, इसकी अपोलो की पड़ी है तुमको और अपने पुराने दोस्त जॉनी भूल गए तेरी मेरी जान। ब्रो देखो अभी क्या ही बोलूँ मैं, जब मैं था तब तुम्हें कोई और चाहिए था, हमने तो बोला भी था कि ऐसी ऐसी लाइनअप रखो, पर नहीं उस वक्त कैंसिल हो गया तो क्या कर सकते हैं। तो गाइस गॉडलाइक के बारे में आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर आदित्य अपने इंस्टा बायो से गॉडलाइक को रिमूव करते हुए नजर आते हैं, और अब इसके इंस्टा बायो पे गॉडलाइक लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यही सुपर चैट जाती है स्काउट के पास कि आदित्य लीविंग गॉडलाइक, इसके ऊपर स्काउट ने जो कहा वो अपनी स्क्रीन में देख ही सकते हो। नहीं पता, मैं पूछ लूंगा उसका यार, ऑफ स्ट्रीम फोन करके पूछूंगा, ऐसे ऑन स्ट्रीम पूछना इज रॉन्ग, मोरली रॉन्ग यार। जितना मुझे पता था वो यहाँ से गया था क्योंकि उसको जेली के साथ बैठना था, अच्छा जमेगा उसको इसलिए गया था। बट जितना मैं अभी रिसेंटली देखा हूँ आई डोंट थिंक तो आदित्य प्लेइंग फोन में खेल रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर देखते कुछ करेंगे, अपना भाई है यार, मैंने पहले बोला था जो अपना भाई है अपना भाई है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो आ रही है गॉडले की तरफ से। तो गाइस जी गॉड ने बताया कि वो अभी इतनी जल्दी गेम नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने गॉडले की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करी जो कि आप अपनी स्क्रीन में देख ही सकते हो। नहीं खेल रहे भाई, मेरा फोन अभी अपोलो के पास फोन नहीं था तो उसको आज के मैचेस के लिए चाहिए था शाम के लिए, तो मैंने उसको दे दिया था कि तू खेल लेना। फिर बाद में जॉनी ने बताया कि वो उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो बीमार है तो सर दर्द कर, तो फिर इंस्टेंट उससे भी फोन नहीं ले सकता मैं, और मेरे पास दूसरा फोन भी नहीं जिसमें मैं खेलूँ, इसलिए मैं नहीं खेल रहा था समझे। बाद में किसी और को बुलाते हैं फिर से कोई इशू हो जाता, इसलिए थ्री मैन खेल। मेरा फ़ोन अभी अपोलो के पास, वो अभी रात को देखे आएगा, मतलब वापस दे देगा वो। भाई देखो मेरा खेलने का मन ना रहता तो मैं ना प्रैक्टिस करता ना कुछ करता, मैं अभी भी कस्टम खेलता रहता हूँ, रात को क्लासिक वगैरह खेलता हूँ खुद का ताकि मैं गेम में रहूँ। मेरा गेम इतना छोड़ने का मन जल्दी है नहीं, ना मैं इतना जल्दी गेम छोड़ूंगा। जिस दिन मेरे को लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता उस दिन मैं छोड़ दूँगा, बाकी लोगों के बोलने से या किसी और के बोलने से, कोई मेरे को आके बोले तू ये कर ले तू इसमें ज़्यादा अच्छा है, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, मेरा भी एक सपना था तो मैं किसी के बोलने से तो छोड़ूंगा नहीं। ठीक है आपको क्या लगता है जली और जा का कैसे अभी, मतलब करने तो यार वो कर रहे हैं, जा को तो बेचारे को आते आते ही वाई टीम नॉट प्लेइंग, टीम खेल तो रही है यार, खेल तो रही है टीम, कहाँ नहीं खेल रही, मैचेस नहीं देखते क्या, टीम तो बराबर खेल रही। जॉनी भी सुबह वाले मैचेस खेला था बट उसकी शायद फिर तबीयत खराब हो गई तो वो खेला नहीं। बट यू ऑलवेज सपोर्ट करूंगा बीजेएस, अपना ही है इस बार, होपफुली नॉट टू बाई यस, पूरी मेहनत कर रहे सब, मेहनत कर रहे एक एक बंदा टीम में टीम के बाहर सब यही चाहते। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं लास्ट न्यूज़ की तरफ जो आ रही है सिड भाई और साइक्यू सोल की तरफ से। सिड भाई ने बात करी पीओवी के बारे में और उसके ऊपर उन्होंने जो कहा वो आप अपनी स्क्रीन में देख ही सकते हो। माफ कर दो अबे, क्या है वो मैनेजर के ग्रुप में बातें चल रही है, अभी कोई नया इवेंट ऑर्गेनाइजर आया है और जहां लगा कि हां अब सेट, तो हम लोग ने बोला हम नहीं करेंगे बॉस, हम लोग वो इवेंट नहीं, हम लोग नहीं खेलना है अगर आप लोग हमारे रूल्स के ये नहीं कर रहे। तो वो लोग ने अपने सेट ऑफ रूल्स भेजे, हम लोग को अपने सेट ऑफ रूल्स भेजे और वो इतने फनी है, वो इतने फनी है, उनके डिमांड्स है यूज ऑफ आवर एसेट्स, ठीक है मैं समझ सकता हूँ, नो प्रॉब्लम यूज ऑफ आवर एसेट्स आई गेट इट, पर्सन होस्टिंग द वॉच पार्टी पीओवी स्ट्रीम इज रिक्वायर्ड टू इंक्लूड अ स्वाइप अप, मतलब मैं स्वाइप अप दूंगा ठीक है, मेरे स्वाइप अप का वैल्यू नॉर्मली होता है अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 50,000 to 1,00,000 रुपया, तो वो उनको चाहिए फ्री में।
प्रॉब्लम हो जाए। प्लेयर्स मस्ट प्रोवाइड 6 स्वाइप अप्स इन टोटल। मेरे प्लेयर्स के मतलब कितना, 2-2.5 लाख पकड़ लो सारे प्लेयर्स का, शायद अप्रोक्सीमेटली मतलब 3-3.5 लाख अभी तक जो हुए वो उनको चाहिए फ्री में। ये हाई ग्राउंड है, यहाँ से आपको क्रिएटर मस्ट इंक्लूड स्वाइप अप, ठीक है ये हो गया। चलो और पेजेस आर प्रोवाइड टू रिक्वायर स्वाइप अप ऑर्ग पेज, मतलब हमारे कितना होगा 2-2.5 लाख रुपए ऑर्ग पेज का हो गया, कितने 5-5.5-6 लाख रुपए हो गए यहाँ पे जो फ्री में चाहिए इनको एक वॉच पार्टी होस्ट करने के लिए। ग्रेनेड का प्रहार करने की भी कोशिश की जा रही है। इंक्लूड अ लिंक टू आवर स्ट्रीम इन द डिस्क्रिप्शन, चलो ये ठीक है ये चलेगा। वी हैव द राइट टू यूज क्लिप्स फ्रॉम योर स्ट्रीम, ये भी ठीक है चलेगा, ये भी चलेगा। और जाना तो चाहते हैं लेकिन पीछे से कवर भी आ, मैंडेटरी डिले ऑफ 5-7 मिनट्स होगा, लेकिन इसी बीच रिक्वायर्ड फॉर वॉच पार्टीज मार्को सिमोन के द्वारा जय। We require players for our content shoot, interviews और अदर ब्रांड रिक्वायरमेंट। पगला के हो क्या? देखिए आज बेबी नॉकआउट है, नॉकआउट ने सिचुएशंस थोड़ी दिक्कत भरी रहेंगी। 5 लाख के इवेंट करेंगे, 10 लाख की चीजें इनको फ्री में चाहिए। आसान चीजें रहे भाई, नहीं खेलेंगे हम लोग इवेंट यार, नहीं खेलेंगे यार हम लोग, नहीं खेलेंगे हम लोग को खेलने की जरूरत नहीं है। जो 10-12 टीम हम लोग ने जो रूल्स बनाए हैं हम लोग को खेलने की इवेंट जरूरत नहीं है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ।